में। पहले स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने डिनाई किया कि रेप हुआ ही नहीं, हम आई विटनेस है, हमने वीडियो देखी है। जो सर की क्लासमेट्स उन सबको सस्पेंड कर दिया, उन्होंने वीडियोस भेजी है जिसमें लड़की को स्ट्रेचर पर लेके जा रहे थे। पहले उन्होंने डिनाई किया कि ये हमने किया ही नहीं। उसके बाद आज पेरेंट्स अंदर गए थे, दो मदर्स थी मोबाइल आके लिटरली रो रही थी कि प्रिंसिपल की उनसे वन टू वन बात हुई और उन्होंने कहा हमारा कसूर नहीं है, तुम्हारी बेटियां ऐसी, तुम लोग कोई बेटियां ऐसी, तुम लोग ऐसे लड़कियां चाहती है, मतलब हम ऐसे हैं तू ऐसे। की हिस्ट्री है विक्टिम ब्लेमिंग की, ये लोग कब से विक्टिम ब्लेमिंग करते आ रहे हैं, इतना मैनिपुलेटिव और टॉक्सिक एज फक इनका। ओ माय गॉड, आप लोग बता भी सकते हैं लोगों ने क्या क्या किया हुआ है। अब ये लोग बच्चों को सस्पेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं जो जो प्रोटेस्ट पे आएगा जो जो करेगा हम उनको सस्पेंड कर रहे हैं। रातों रात से पुलिस आई हुई है, पुलिस ने एक दफा भी मैम को अंदर बाहर से नहीं निकाला, मैम ने आके कोई भी एडवाइजर भी नहीं आई, मैम भी नहीं, मैम ने आके कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। हाल ना होता अगर मैम एक दफा, ये इंसिडेंट किसने किया और कब हुआ? जुमेरात को हुआ, वैन वाला अंकल और गार्ड वाले दो बंदे थे, एक वैन वाला और एक दो गार्ड है, एक गार्ड का पता चल गया, एक का नहीं पता चला। और ये गार्ड भी चेंज कर दिया तीन दिन का, मैम पुलिस वाले ऐसे जो अंकल ने कहा ऐसा कोई केस नहीं हुआ, फिर कहते गार्ड हमने अरेस्ट किया हुआ है, एक तरफ वो कह रहे केस नहीं हुआ, दूसरी तरफ कह रहे अरेस्ट किया हुआ है, तो किसको अरेस्ट किया अगर इनका कोई केस नहीं हुआ। और ये जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं बॉयज वो भी गलत कर रहे हैं, ऐसे प्रोटेस्ट नहीं होता ऐसे, ये अपने उनको तो इंसाफ नहीं मिल रहा लेकिन अपने आप को डैमेज कर रहे हैं, ये भी गलत कर रहे हैं। देख सकते हैं वहाँ पे लड़कियाँ फंसी हुई, वहाँ पे दे ट्रैप्ड इनसाइड और निकाल भी नहीं रहे हैं, वहाँ पे पत्थर मारे गए और वो लड़कियाँ इंजर्ड है वहाँ पे, उनको कौन बचाएगा? अब इनको बाहर निकाले, इन्होंने जितने बच्चों को सस्पेंड किया ना कल से, मैं कहती हूँ मुझे सस्पेंड करें, मैं भी पीजीसी से हूँ ठीक है, इनको मैं वेट कर रही हूँ मेरे कब सस्पेंशन लेटर आ रहे हैं। 50 बच्चे इन्होंने सस्पेंड कर दिए कल से, आई वॉन्ट की मुझे भी सस्पेंड करें, मुझे इस कॉलेज में नहीं पढ़ना। पहले लेक्चर से लड़कियाँ अंदर बंद है, उन्होंने लड़कियों के अंदर बंद करके प्रोटेस्ट के लिए आए थे, उनको कुंडिया लगा दिया, उसके बाद जो लड़कियाँ बाहर जा रही दरवाजे तोड़ के, कुछ लड़कियाँ बाहर आई उन्होंने लिटरली एडवाइजर उनको खींच के उनके कपड़े फाड़ के, उनको लड़की फर्स्ट ईयर की तालिबा थी जिसके साथ ये अफसोसनाक वाकया पेश आया, उनकी अब क्या कंडीशन? वो आईसीयू में चाहते हैं, आईसीयू में, और मैं उस हॉस्पिटल में अभी होके आ रही हूँ और वो लोग ना मिलने दे रहे हैं और वो कह रहे हैं ऐसा कोई केस है ही नहीं, पेशेंट नहीं है, ऐसा कोई केस आया ही नहीं, पेशेंट नहीं है, था वो चला गया, था वो कल ही चला गया, झूठ पे झूठ, इनकी उनसे कमिटमेंट हुई हुई है उसको, उस एवर केयर हॉस्टल एविडेंस से उनका फोन प्रिंसिपल ने खुद तोड़ा है अपने हाथ से, उसके बाद एविडेंस जिस बच्ची ने देख लिया था उसको, क्लास में आई है उसका फोन तोड़ा, पूरी क्लास को धमकी दी है, उसके अलावा सीआरस को आके ऑर्डर दिया जो बच्चा प्रोटेस्ट का बोले उसको आप थप्पड़ मार सकती है, टीचर्स खुद भी थप्पड़ मार रही है, तशद्दुद कर रही है ठीक है, मना कर रही है, ग्रुप से मैसेजेस कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, फेक है, रेगुलर क्लासेस होंगी ठीक है, और उल्टा हमें कह रही है कि अगर कोई करना चाह रहा है प्रोटेस्ट तो वो ग्रुप लीव कर दे या उसको सस्पेंड कर देंगे हम ठीक है, उल्टा आप हमें धमकियां दे रहे हैं, आप हमें मिले, हम आपसे पूछते हैं, हम बच्चों का नाम लेके टीचर्स कह रही हैं आइए बच्ची कल आएगी कॉलेज नहीं, मैं पूछूंगी ये करूंगी ठीक है, उसके बाद बच्ची को भी उन्होंने सस्पेंड कर दिया, जिसके साथ हुआ उसको भी सस्पेंड कर दिया है ठीक है, गार्ड का इन्होंने पहले बोला कि गार्ड ने केबल स्टोरी की थी इसलिए उसको निकाला है ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि गार्ड का कोई इसके गांव में कोई इशू था तो उधर गया, फिर कहते हैं कि उसकी शादी है इसलिए गया, फिर कहते हैं कि फिर कहते हैं पकड़ा गया, मतलब ये किसी एक बात पे इत्तेफाक ही नहीं कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्यारे नाज़रीन इकराम, मेरा नाम अमजद एजाज़ है, आपका शुक्र गुज़ार हूँ कि आपने मेरी वीडियो के लिए अपना वक्त निकाला है। आप इन तालबात की, इन फीमेल स्टूडेंट को सुन रहे थे, इनकी डिस्कशन को सुन रहे थे, जिस तरह मतलब ये गुफ्तगू कर रही थी, जिस तरह ये बातचीत कर रही थी, और ये आप प्यारे नाज़रीन इकराम आप सारा ये सुन रहे थे। मेरा सवाल ये आपसे कि आप इनकी गुफ्तगू से क्या नतीजा अख़ज़ करेंगे और ये सारा कुछ सुनने से आपको क्या मतलब, आप किस नतीजे के ऊपर पहुँचे हैं, आप किस पॉइंट के ऊपर पहुँचे हैं, आप इसके बारे में क्या कंक्लूजन अपना आपने निकाला है और आप इनके बारे में क्या अपनी सजेशन दे सकते हैं, आप क्या अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, क्योंकि अब इस तरह की जो सिचुएशन एक बनी हुई है, एक बहुत ही पेचीदा किस्म की सिचुएशन बनी हुई है और जो स्टूडेंट्स हैं वो हर जगह के ऊपर प्रभार इदारे के बाहर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं और कहीं पर तो किसी स्कूल के अंदर यानी कॉलेजेस के अंदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा उसकी तोड़ फोड़ भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और प्यारे नाज़रीन इकराम, मेरे ये सवाल अब आपसे है कि आप ये सारी सिचुएशन देख रहे हैं, सारा कुछ आपके सामने है, तो आप इस चीज़ को जो है मतलब किस तरह देखते हैं और आप क्या सोचते हैं कि असल मामला आखिर क्या हो सकता है?